नमस्कार, एनबीसी न्यूज की खास पेशकश खास मुलाकात में मैं मनीष टेमरे आपका स्वागत करता हूँ। दर्शकों, व्यक्ति का जीवन उस पानी के बुलबुले की तरह है जो कुछ ही क्षण में फूट जाता है। इसी अल्पतम जीवन में यदि आप लोक कल्याणार्थ कार्य करते हैं तो आपका जीवन अमर हो जाता है। उसी प्रकार से जो है मंसूरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लोक कल्याणार्थ कार्य किए जा रहे हैं, मंसूरी समाज के कल्याणार्थ कार्य किए जा रहे हैं और आगामी 7 तारीख को मंसूरी समाज का जो है एक परिचय मेला आयोजित किया गया है, जहां साथ ही जो है छात्रों को यहां पुरस्कृत किया जाने वाला है। तो दर्शकों, एनबीसी न्यूज की खास पेशकश खास मुलाकात में मैं मनीष टेमरे आपका स्वागत करता हूं और इसी आगामी कार्यक्रम के विषय में जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सलीम मंसूरी, मोहम्मद फाजिल सेठिया, साथ ही साथ समीउल्ला छवारे, हाजी असलम दस्तरखावाले। ये 4 लोग हमारे साथ मौजूद है जो कि मंसूरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और आगामी 7 तारीख के कार्यक्रम के विषय में हमें जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल सलीम मंसूरी आपसे है कि किस प्रकार से है कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है, मंसूरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या बताना चाहेंगे इसके पीछे की क्या संकल्पना है? सबसे पहले तो मंसूरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजर जो प्रोग्राम 7 तारीख को रखा गया रविवार के दिन सुबह से 5 बजे तक के ये प्रोग्राम चलेगा, इसमें विभिन्न मंसूरी जमात के जितने भी योगा बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे परसेंटेज लिए हैं उनका मान सम्मान और उनको सम्मान चिन्ह देके एक अच्छा सा प्रोग्राम मैसेज मंसूरी जमात के लिए दिया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें एक परिचय सम्मेलन रखा गया है जिसमें मंसूरी समाज के नागपुर शहर व नागपुर के अतराफ के जितने भी लोग हैं लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोगों का इंतजाम किया गया है, वो आपस में परिचय देंगे, यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा सवाल आता है मोहम्मद फाजिल सेठिया जी आपसे, जिस प्रकार से जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है मंसूरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की, इसके गठन के पीछे का क्या उद्देश्य है, क्या बताना चाहेंगे? इसके गठन के पीछे का उद्देश्य यह है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी स्थापना जो है ये 24 अक्टूबर 2023 को हुई है। एक हम यंग जनरेशन का एक ग्रुप मिला, उसमें ये बैठ के आपस में चर्चा हुई कि भाई मंसूरी समाज में हमारा जो काफ़ी वर्ग है वो पिछड़ा हुआ है, खासकर एजुकेशन सेक्टर में, तो उसके वजह से उनके लिए कुछ किया जाए। तो हम लोग से सब आपस में जुड़े, एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया और उसके बाद हमने ये सोचा कि जो मंसूरी समाज में हमारे जो पिछड़ा वर्ग है उनके एजुकेशन के लिए हम किस तरीके से सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया, धीरे धीरे उसको रिसर्च किया, चीज़ों को समझा और हमें ये महसूस हुआ कि जो बच्चे 10-12 तक तो पढ़ पा रहे हैं लेकिन उसके बाद आगे पढ़ने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति की वजह से उनको दिक्कत जा रही है, जिसके वजह से हमने ये सोचा कि एक ज़मीन ली जाए इस मंसूरी समाज के लिए जिसमें इस टाइप के वर्क को करने के लिए हम वहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें। तो फिलहाल तो वो ज़मीन ले ली गई है, उसमें हमारे आगे आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं मंसूरी समाज के लिए यह है कि 10-12 के बच्चे जो पास होते हैं और उनकी अगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से तो उनको आर्थिक सहायता दे के उनका आगे का एजुकेशन जारी रखना। दूसरा ये एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना करना जिसमें ये बच्चे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स को ले, उसको सीखे और आगे उनको जॉब्स के ऑप्शन मिल सके। थर्ड ऑप्शन हमारा ये था कि मंसूरी समाज के लिए कम्युनिटी हॉल का निर्माण करना ताकि मंसूरी समाज के जो लोग हैं जो एक दूसरे से अब जान पहचान नहीं है या काफ़ी दूर दराज से आते हैं तो ये मंसूरी समाज का जो कम्युनिटी हॉल रहेगा वहाँ ये लोग आके बैठेंगे, एक दूसरे से ताल्लुकात बढ़ाएंगे ताकि समाज में एक भाईचारे का मैसेज पुख्ता हो सके और हम सब एक साथ एक छत के नीचे आके जो भी काम करना है हमारे समाज के लिए वो कर सके। चौथा पार्ट है इसमें हेल्थ सेक्टर से, हेल्थ सेक्टर में ऐसा है कि आजकल हेल्थ की जो सुविधाएं है काफ़ी महंगी होती जा रही है तो उसमें कम पैसों में किस तरीके से ये सुविधाएं गरीब लोगों को दी जा सके उसके लिए एक पॉलीक्लिनिक का निर्माण वहाँ होना है। इस विषय में हम लोगों ने अभी 7 तारीख को एक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया है ताकि और उसमें जो विद्यार्थी है जो हमारे समाज के विद्यार्थी है जो उन्होंने काफ़ी मेहनत करके अच्छे परसेंटेज से पास हुआ है उन लोगों का हम सम्मान करना चाह रहे हैं और समाज के सब लोग वहाँ आएंगे इंशाल्लाह
आगे की रूपरेखा उसके बाद वहाँ प्रोग्राम में तय की जाएंगी कि अब इसके बाद ये प्रोग्रामिंग को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। जिस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, दिन भर का पूर्ण कार्यक्रम किस प्रकार से रहेगा? ये सवेरे 10:30 बजे से स्टार्ट होगा, जो तकरीबन 3:30-4 बजे तक चलेगा। इसमें सवेरे 10:30 बजे से स्टार्ट होके यानी 11 AM स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे जो आने वाले अतिथि है, जो हमारे समाज के लोग हैं, वो सब लोग आ जाएंगे। उसके बाद बच्चों का फिल्ट्रेशन प्रोग्राम लिया जाएगा, तकरीबन 75 बच्चों का हम वहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। उसके बाद सब आपस में गेट टुगेदर के तौर पे आपसी मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, और उन सब लोग जो बाहर से अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने वहाँ खाने का भी इंतजाम रखा है, ताकि कोई दिक्कत महसूस ना हो, और 3-4 बजे के करीब में ये प्रोग्राम को समापन कर दिया जाएगा। अगला सवाल सलीम भाई आपसे है, ये कार्यक्रम जो है छात्र पुरस्कार का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, आपने किन किन मान्यवरों को यहाँ आमंत्रित किया गया है चीफ गेस्ट के तौर पर? चीफ गेस्ट के तौर पे तो सभी हमारे जो गोल्डन मेंबर है, और नागपुर शहर के अतराफ के और हमारे शहर के अतराफ के, ये सभी लोग हमारे चीफ गेस्ट है। इंडिविजुअल हमने किसी को नहीं रखा, क्योंकि ये समाज का प्रोग्राम है, और समाज के प्रोग्राम में तकरीबन सभी लोग चीफ गेस्ट है, और हम सभी लोगों का स्वागत करके इस काम को अंजाम देना चाहते हैं। तो दर्शकों, साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है शमीउल्ला छवारे और हाजी असलम दस्तरखां वाले। तो आप दोनों से एक ही सवाल मैं करता हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इस पूरे जो है पूरे साक्षात्कार का बोल सकते हैं। कई बार देखा गया है लोग सामाजिक कार्यों में रुचि नहीं रखते, और जो है समाज में होने वाले कामों में अपना हाथ नहीं देते हैं, अपना जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे पूरे मंसूरी समाज को इस आगामी 7 तारीख के लिए? आप सबसे पहले शमीउल्ला छवारे जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अपील करें समाज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मैं अपने समाज से अपील करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा मंसूरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम में शामिल हो, और हमारी जो भी मेहनत है और वो बिरादरी के लिए है, उसे हम कामयाबी से इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे, और उसमें हम आपका सबका साथ चाहते हैं। बस इंशाल्लाह मैं आपसे यही दुआ करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हाजी असलम दस्तरखां, इनके पास क्या बताना चाहेंगे हाजी साहब, किस प्रकार से जो है कार्यक्रम में मंसूरी वेलफेयर एसोसिएशन का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित 7 तारीख को किया जाने वाला है, क्या अपील करना चाहेंगे आप समाज के बांधवों से? जैसा कि सलीम भाई ने कहा, आजिल भाई ने कहा, कमीजा भाई ने कहा कि समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। आज मेरा मानना यह है कि आज मंसूरी समाज हमारे शहर में सबसे बड़ा समाज है, और उस समाज के चलते आज शहर में आज हमारा कुछ भी ना कोई अपना समाज भवन है, ना कोई अपना नाम है। आज हमारी एकदम समझा संपूर्ण बिरादरी, तमाम जो बिरादरी के लोग हैं, यानी काफ़ी अच्छे जमे झगड़े लोग होने के कारण भी आज हमारा समाज में कोई नाम नहीं है। तो हमारी ये कोशिश रही है कि आज हमारा भी इतना बड़ा समाज होने के बावजूद हमारा भी स्कूल, हॉस्पिटल, समाज भवन ये होना चाहिए, जैसे तमाम और बिरादरियों का है। और ये जोश लेके फाजिल भाई, सलीम भाई, हम सब ने मिलकर सब इकट्ठा होके ये मुहिम को हमने साथ में लेके चल रहे हैं, और पिछले 8 महीने से माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत यहाँ तक के पहुँच गई कि आज हमने 15,000 फुट जगह भी खरीद ली है, और एक काफ़ी बड़े लेवल पे आज पहली बार यानी इतने सालों में एक समाज का प्रोग्राम होने जा रहा है जो इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि आज तक के कभी इतने बड़े लेवल पे कोई प्रोग्राम नहीं हुआ समाज का, तो अपने मंसूरी समाज का तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि जब से मैं वो सवाल हो तब से मैं खुद देखते आता हूँ। तो उसके चलते हम लोगों ने एक विचारधारा हमारी सबकी मिलते हुए चली है, और हम लोग आज इस मकाम पर पहुंचे कि आज हम लोग इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। और मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना कीमती वक्त निकाल के अपना थोड़ा सा कुछ नहीं, आपका ठीक वक्त ही चाहिए हमको, आपका आना ही हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपके आने से हमको आपके आने से ताकत मिलेगी, या हमको लगेगा कि हमारा समाज हमारे साथ में चलने को हमारे समाज चलने को तैयार है, हमको ऐसा लगना चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों से एक ही गुजारिश करता हूँ कि आप 7 तारीख को थोड़ा सा वक्त निकाल के
मेहरबानी करके प्रोग्राम में आने की गुजारिश करता हूँ आपसे, शुक्रिया। तो दर्शकों, समाज एक इंसान से नहीं तो एकता से बनता है, साथ ही साथ जो है संस्कारों से बनता है। जिस प्रकार से मंसूरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यकीनन इस कार्यक्रम में जो है बड़ी मात्रा में मंसूरी समाज के लोग आएंगे, साथ ही साथ छात्रों को जिस प्रकार से पुरस्कृत किया जाने वाला है, ऐसा ही कार्य आगे भी होगा, ऐसा ही कल्याणार्थ कार्य आगे भी होगा। इसी शुभकामना के साथ हम मंसूरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को इनविशन परिवार की ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हैं, साथ ही साथ धन्यवाद करते हैं इन पदाधिकारियों का जिन्होंने आज हमें जानकारी दी, साथ ही साथ जो है एक समाज सेवा का यह संदेश दिया है। धन्यवाद।